लगाते बच्चे दिखाई दिए। इस वक्त की बड़ी खबर कोरिया से, जहां पर स्कूल में झाड़ू लगाते बच्चे दिखे। बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। स्कूल में प्यून की पद स्थापना के बावजूद ऐसा हाल दिखाई दिया। 4 साल से शासकीय कार्यालयों में अटैच है प्यून। मनेंद्रगढ़ के नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला बताया गया है, जब बच्चे जो है वो झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिए हैं। मनेंद्रगढ़ के नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है, जबकि स्कूल में प्यून भी पदस्थ है। और ऐसे में तस्वीरें देखिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, बच्चे जो हैं वो किस तरह से झाड़ू लगाते हुए। तस्वीरों में आप देखिए और समझिए कि क्या स्कूल का ये हाल है। यहाँ बच्चे जो हैं वो पढ़ने के लिए पहुँचे थे, पढ़ना इनके लिए ज़रूरी है, लेकिन ये 4 साल से शासकीय कार्यालयों में प्यून अटैच हैं। और उसके बाद ये तस्वीरें कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो स्कूल में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है, जहां पर बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। यहां पर बच्चे पढ़ने के लिए गए थे, उनके पेरेंट ये सोचकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं कि वो वहां पर पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें खासतौर से हमने आपको दिखाई थी कि किस तरह से बच्चे जो है स्कूल में झाड़ू लगाते हुए नजर आए हैं। मनेंद्रगढ़ के नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला आप देखिए तस्वीरों में, बच्चे किस तरह से झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जो प्यून है वो शासकीय कार्यालयों में अटैच है, यहाँ पर प्यून क्यों नहीं झाड़ू लगाते हैं? ये भी बड़ा सवाल जो है वो सामने आया है। तो बच्चे आप देखिए तस्वीरों में स्कूल में झाड़ू लगाते हुए दिखे हैं। बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल में प्यून की पदस्थापना के बावजूद इस तरह से हाल जो है वो दिखाई दिया। तो तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि आपके बच्चे यहाँ पर जब स्कूल में पहुँचते हैं तो किस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। पेरेंट्स ये समझते हैं कि हम बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह छोटे छोटे बच्चे आप देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से झाड़ू लगाते हुए दिखे हैं। प्यून जो है वो यहाँ पर पदस्थ है, पदस्थापना है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह से जो हाल है, इस तरह का नज़ारा जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। 4 साल से शासकीय कार्यालयों में प्यून अटैच है। मनेंद्रगढ़ के नारायणपुर के शासकीय माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। हाल आप देखिए तस्वीरों में इस तरह से सामने आया है। तो स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बच्चों का स्कूल में आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। रविकांत सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ कोरिया से जुड़ गए हैं। रविकांत, जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि पेरेंट्स बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन ये हाल क्योंकि प्यून यहाँ पर है, वो कहाँ रहता है, कौन से कार्यालय में काम करता है कि बच्चों को इस तरह से झाड़ू लगाना पड़ रहा है? जी हाँ, प्यून के पदस्थ होने के बावजूद भी अगर बच्चों को स्कूल आने पर सबसे पहले उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद वे पढ़ाई करते हैं। यहाँ प्यून पदस्थ है, लेकिन प्यून 4 सालों से मनेंद्रगढ़ विकास खंड के कई कार्यालयों में अटैच है। मात्र 1 या 2 दिन वो प्यून इस स्कूल में चपरासी के तौर पर काम किया गया है प्यून द्वारा। और जब हमने स्कूल के प्रधान पाठक से बात की तो उन्होंने बताया कि जो चपरासी यहाँ पे पदस्थ है अभी वर्तमान में, वह मनेंद्रगढ़ तहसील कार्यालय में पदस्थ है, इसलिए बच्चों से सफाई कराई जाती है। कभी कभी शिक्षकों को भी खुद झाड़ू लगाना पड़ता है। शिक्षकों को भी झाड़ू लगाना पड़ता है प्यून की पदस्थापना के बावजूद ऐसा हाल। क्या कुछ शिक्षा अधिकारी से बात नहीं की गई, बात करने की कोशिश नहीं की गई? इस तरह से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए पहुंच रहे हैं कि झाड़ू लगाने के लिए पहुंच रहे हैं? हमने जब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी को कॉल किया तो उन्होंने कॉल रिसीव भी नहीं किया। और कहीं ना कहीं मनेंद्रगढ़ विकास खंड अंतर्गत जो SDM या फिर कलेक्टर, अगर जिले में कलेक्टर बैठे हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस प्यून को शासकीय कार्यालयों में अटैच करने के बजाय स्कूल में भेजा जाए ताकि बच्चे झाड़ू ना लगाए। बिल्कुल, इस तरह से तो ये झाड़ू लगाने का मामला। क्या और भी बच्चे दूसरे काम भी करते हैं क्या? और कोई दूसरे काम नहीं करते, लेकिन उन्हें झाड़ू लगाना पड़ता है। वहीं जैसे शिक्षकों को कभी कभी पानी देना भी पड़ता है, लेकिन झाड़ू लगाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले बच्चे स्कूल आते हैं पढ़ने की बजाय पहले वो झाड़ू लगाते हैं, फिर अपने से ही वो जमीन पर कपड़े बिछाकर बैठकर पढ़ते हैं। रविकांत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि 2 बच्चे जो है वो झाड़ू लगा रहे हैं, क्या और भी बच्चे इस तरह से झाड़ू लगाते हैं? बारी बारी से उनका नंबर आता है कि एक के बाद एक आज इनका दिन है फिर कल दूसरे बच्चों को लगाना है? जी हाँ, बारी बारी से बच्चों का नंबर आता है। विनय जायसवाल विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं कोरिया से।
सबसे पहले विनय जी स्वागत है आपका, लेकिन इस तरह से तस्वीरें वायरल हुई हैं, बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है, शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की जाती है तो वो जवाब नहीं देते हैं, क्या कहेंगे आप? जी निश्चित रूप से नारायणपुर पंचायत के स्कूल में एक वीडियो वायरल हुआ है जहाँ बच्चे स्कूल की सफाई कर रहे हैं और उसकी जांच भी हो गई है और संबंधित जो वहाँ के प्राचार्य हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और जो प्यून के अटैचमेंट करने की बात है उसकी भी बात को दिखवा रहे हैं। बहुत जल्दी जो भी अगर कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो विनय जी जैसे जिस तरह से बात करें प्यून यहाँ पर अटैच है, प्यून को की पदस्थापना भी हो चुकी है, उसके बाद इस तरह से संज्ञान नहीं लेना, और ये बच्चे सिर्फ झाड़ू नहीं लगाते हैं, बच्चे कई बार टीचर को शिक्षकों को पानी भी देते हैं, खुद ही दरी बिछाते हैं और खुद फिर बैठते हैं। देखिए ये कहना गलत है कि बच्चे वहाँ पूरा काम करते हैं और ये तत्कालीन ये जो वीडियो आया है उसके आधार पे जो शिकायत हुई है वहाँ के प्राचार्य को निलंबित कर दिया है और आगे भी जो भी आप बात बोल रही हैं वो उसको दिखवा के जो भी कमी होगी अभी जो भी और संबंधित अधिकारी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करवाई जाए। विनय जी आपने कहा कि प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो सवाल प्यून का है, क्या प्यून यहाँ पर जल्दी से जल्दी पदस्थापना उसकी होगी या फिर उसके जिस तरह से वो शासकीय कार्यालय में पहुँच के काम कर रहा है यहाँ पर उसे कब पहुँचाया जाएगा? देखिए वो प्यून का जो अटैचमेंट था उसको उसके मूल स्कूल में भेजने का काम कर दिया गया। कई बार शासकीय काम और कई सारे चीजों की अधिकता होती है जिससे प्रशासकीय व्यवस्था में ऐसा करना पड़ता है और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बच्चे वहाँ लगातार ऐसा करते हैं। ये एक घटना हुई है जिसके शिकायत के आधार पर कार्रवाई हो गई। तो विधायक विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि अब जो है वो सख्त कार्रवाई होगी और ऐसा नहीं है कि इस तरह से बच्चों को यहाँ पर झाड़ू लगानी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए विनय जी। रविकांत आप हमारे साथ बने रहिए।